कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कलयुग में कितना भी दोष हो, लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी या एक अच्छी बात क्या है कि भगवान का नाम मात्र लेने से ही हम मुक्ति या सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। सत्ययुग में जो है आत्म साक्षात्कार का मार्ग था जंगल में जाके तप करना, एकदम घोर तपस्या करना, सालों युग, कई हज़ार वर्ष के लिए तपस्या करना। फिर द्वापर और त्रेता में अर्च विग्रह, उसके बाद यज्ञ, ये इसके द्वारा हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। और कलयुग में आत्म साक्षात्कार और भगवत प्रेम वो कृष्ण नाम जप कर होता है। आपको हिमालय में जाके तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, ना कि आपको अश्वमेध या राजसूय यज्ञ करने की ज़रूरत है, ना कि किसी बलि या किसी पशु को बलि चढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, क्या ज़रूरत है? मेन हरिनाम का जप करना। जप मतलब हम हरिनाम जब एकांत में करते हैं, और संकीर्तन मतलब जब हम सबके संग कीर्तन करते हैं। सो इसलिए कलयुग में इसका महत्व है। और जनरली भी साउंड मतलब ध्वनि और उसका साक्षात्कार, हम इस दुनिया में यदि मैं कोई इमोशनल सॉन्ग सुन लेता हूँ, मतलब कोई भावुक गाना सुन लेता हूँ, सो मेरे मन में ऐसे भावना आएंगे जी। यदि मैं कोई सैड होने वाला दुखी गाना सुन लेता हूँ तो मेरा मन थोड़ा उस भावना में चले जाएगा। यदि मैं कोई ऐसे गीत सुन लेता हूँ जिससे मैं खुश हो जाऊँ या एनर्जी वाला, सो मेरा मन भी वैसा खुश होगा। और यदि मैं आध्यात्मिक गीत सुनूँ तो हमारा मन भी आध्यात्मिक होगा। और क्योंकि हम एज आत्मा मतलब एज सोल, हमारा नेचर यानी कि हमारा स्वभाव एग्जैक्टली ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, तो हमको भौतिक गीत हमेशा के लिए खुश नहीं रख सकता। टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकता है एज लॉन्ग एज बॉडी शरीर और मन तक जाए, उसमें आपको भौतिक गाना थोड़ा सुख देगा, लेकिन आप वही गाना को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सुनो तो आप बोर हो जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीना 6 महीना 1 साल उसके बाद आप बोर हो जाएंगे। लेकिन इतिहास इसके साक्षी है कि हरिनाम को आप देखें, कोई भी शुद्ध भक्त हरिनाम जप करता है उसको ऐसा है कि हरिनाम जप करने का टेस्ट इतना है कि उसको टाइम कम पड़ जाता है हरिनाम जप करते करते। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारे नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर, हाँ, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि वो हर दिन 3 लाख कितना 3 लाख नाम जप करेंगे। 3 लाख नाम मतलब अगर राउंड्स पे काउंट करो, 16 माला के राउंड्स पे काउंट करो, जहाँ पे ये 108 का एक होता है, तो ऐसे 108 लगभग 198 बार, हाँ, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 32, वैसे 3 लाख हर दिन। तीन लाख था और 3 बिलियन था हरिदास, 3 लाख या उससे, तो 3 लाख नाम हर दिन जप करते थे। और एक दिन जगन्नाथपुरी का प्रसाद लेके आए सर्वभूम भट्टाचार्य उनके लिए खाने के लिए। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी जब वो आए जगन्नाथ प्रसाद लेके, तो उन्होंने बोला लीजिए हरिदास ठाकुर जी, ये आपके लिए हरिदास। सो उन्होंने कहा कि मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरी अब तक प्रतिज्ञा 3 लाख नाम जप करने की हुई नहीं है, और 16 माला जप करने के लिए हमको लगभग एकदम फास्ट टू फास्ट भी करें तो 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा लग जाता है। एकदम फास्ट बोल रहा, मतलब बिना कुछ सोचे समझे और सिर्फ हरिनाम। सो 198 डिवाइडेड बाय 90 और 1.5 घंटा, सो लगभग 22 घंटे हो जाते हैं। सो वो दिन में
22 घंटे सिर्फ हरि नाम जप करते थे, उसके बाद खाना पीना और सोना। मतलब सुबह 4 बजे मंगल आरती शुरू करके रात को 10 बजे तक, लगभग 10-11 बजे तक। तो ये उनका डेली का रूटीन था कि पूरे दिन जप करना, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना और फिर सो जाना। सो ये नाम की रुचि है जो शुद्ध भक्त है। ऐसा कोई मटेरियल आदमी, कोई भौतिक चीज़ 24 घंटे नहीं कर सकता, बोर हो जाएगा। 8 घंटे जॉब हम करके थक जाते हैं, हाँ बोर हो जाते कि नहीं, अपने 8 घंटे की नौकरी करके बोर हो जाते हैं। लेकिन 20 घंटे भक्ति करके भी व्यक्ति बोर नहीं होता। 8 घंटे नौकरी करके व्यक्ति बोर हो जाता है, लेकिन 20 घंटे भक्ति करके भगवान की आदमी बोर नहीं होता। सो ये नाम की महिमा है। और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अपने नाम और अपने फॉर्म, अपने रूप से अभिन्न है, मतलब सेम है। द लॉर्ड एंड द नेम आर सेम। कलयुग में स्पेशली हम भगवान को देखना चाहते हैं। कितने लोग भगवान को देखना चाहते हैं? थोड़े लोग देख रहे हैं, आसपास वाले देखेंगे तो हम भी देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो भगवान तो वैसे हर कण कण में है, क्यों? एज अ परमात्मा, सुपर सोल। लेकिन हमारे पास वो आँख नहीं है अब तक, डिवाइन आइज नहीं है देखने के लिए। इसलिए भगवान को हम इस कलयुग में स्पेशली हृदय के अंदर हरिनाम के माध्यम से देख सकते हैं। ऑल्टर पे भी जो भगवान है वो इसलिए हैं ताकि हमको मदद करे कि हम उनको हमारे हृदय में देखें। इस कलयुग में भगवान सबसे पहले आपको हरिनाम के द्वारा ही दर्शन दे सकते हैं। एक तो उसका एक्सपीरियंस, मतलब उसकी जो टेस्ट। श्रील प्रभुपाद सबसे पहले अमेरिका जब गए थे 1965 में, तो उन्होंने टॉमस्किन स्क्वायर पार्क में, अमेरिका में, हिप्पी लोगों के सामने या अमेरिकन लोगों, वेस्टर्न लोगों के सामने उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। इसी जप के माध्यम से आज आप जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ देखते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जहाँ पे मोर देन 500 टेम्पल्स है, फार्म्स है, फार्म कम्युनिटी है, इतने लाखों भक्त हैं, क्यों? सिर्फ हरिनाम प्रचार से। सिर्फ श्री प्रभुपाद गए उधर और एक करतार लिया और अकेले वृद्ध जो 70 साल की उम्र में सिर्फ कीर्तन किया बस। लेकिन वो कीर्तन भी सिर्फ कीर्तन, मतलब वो शुद्ध नाम कीर्तन थे, क्योंकि श्री प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, तो वो शुद्ध नाम कीर्तन। अभी कीर्तन के भी, भगवान के नाम चैंटिंग करने के भी तीन स्टेज हैं। तीन स्टेज कौन से? पहला नाम अपराध, फिर नामाभास, फिर शुद्ध नाम। आप लोग में से जो जानते हैं 10 नाम अपराध, 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम, कौन जानता है या किसने इसके बारे में सुना है? 10 नाम अपराध के बारे में सुना है? सो ये स्टेज है, पहला स्टेज, जहाँ पे हम अपराध करते करते जप करते हैं। क्योंकि जप की महिमा ऐसा है कि आप जब हरे कृष्ण का जप करते तो आपके लाखों जन्म के पाप, लाखों जन्म के कर्म, वो सब मिट जाते हैं। सो हमको प्रभु जी, कोई पूछता है प्रभु जी मैं अभी हरे कृष्ण बोल दिया, सो मेरे लाखों जन्म के पाप मिट गए, तो मैं अभी क्यों सफ़र कर रहा हूँ? तो पहले तो मैं पूछता हूँ, सफ़र मतलब क्या? आपके पास रोटी कपड़ा मकान सब है, सफ़र मतलब क्या? आप क्या सफ़र कर रहे हैं? सफ़र करना या दुख होना एक मन का चीज़ है। इंग्लिश में कहावत है कि दर्द मतलब दुख, दुख नहीं, इस दुनिया में है तो दर्द आपको होगा ही किसी प्रकार की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन दुखी रहना आपका चॉइस है। उस परिस्थिति में दुखी रहना या सुखी रहना वो आपके मन के या पर्सनल चॉइस है। आप दर्द में हैं तो भी आप हंस सकते हैं, हाँ यदि आपको लग रहा है, आपकी चॉइस है, आप रोएंगे, आपकी चॉइस है, आप हंसेंगे। सो हरिनाम जप करने से, अभी भी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था भक्त का, वो बोल रहा था, एक माता जी प्रश्न पूछी भक्त को कि आप बोलते हैं हरे कृष्ण जप करो, लेकिन ये जप करने से मेरे पाप मिट जाएंगे, तो क्यों मैं इतनी सफ़र कर रही हूँ?
तो हरि नाम जप करने से ऐसा नहीं है दुख चले जाएगा, पाप तो मिटेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं आपका दुख चले जाएगा, क्योंकि हम पाप अनगिनत लाइफ टाइम जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि दुख चले जाएगा, लेकिन आपको दुख सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, सारे आचार्य लोग, सारे भक्त को देख लो, प्रहलाद महाराज खुद के पिताजी ने उनको इतना दर्द देने की कोशिश की, लेकिन क्या वो दुखी थे? नहीं, दुखी नहीं। उनको आग के जले हुए ऑयल, जो तेल है, उसमें बॉईल कर रहे हैं, पहाड़ से फेंक दिया, सांपों के बीच में डाल दिया, लेकिन उनको दुखी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम का जप कर रहे हैं। तो ये भक्त का लक्षण है। और ये तो सारे सारे के सारे गोस्वामी, आप देखिए श्रील प्रभुपाद भी शिप में जलदूता जब अमेरिका गए, दो हार्ट अटैक, 70 साल के व्यक्ति को दो हार्ट अटैक, आप समझ सकते हैं, फिर भी भगवान पे छोड़ दिया, बोलो ठीक है भगवान एक और देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना है मत दीजिए, आपके ऊपर मैं पूरी तरीके से निर्भर। उनकी डायरी में लिखा है, जलदूता डायरी बोलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भक्त को दर्द नहीं हो, क्यों? क्योंकि वो कर्मा है, वो निकलता है, लेकिन भक्त दुखी नहीं होता उस सिचुएशन। क्यों? क्योंकि भक्त को पता है जो हो रहा है भगवान के अनुसार हो रहा है। तो जब हम हरिनाम जप करते हैं तो हमको आत्म साक्षात्कार होता है। इसके इफेक्ट भी अलग अलग है। हरिनाम जब आप करते हो, इसके इफेक्ट तो पहले भौतिक लेवल पे, भौतिक मतलब यदि मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, अर्थ मतलब पैसा, और मेरी इच्छाएं हैं इंद्र तृप्ति करने की, सो उस व्यक्ति को भी हरिनाम जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरिनाम से ये फुलफिल होता है। और जो व्यक्ति को जिसको अन्य अभिलाषिता शून्य, मतलब जिसको कोई अभिलाषा नहीं है लेकिन भगवत प्रेम है, उस व्यक्ति को भी हरिनाम से ही भगवत प्रेम मिलेगा। मतलब हरिनाम जप करना सब चीज़ का एक वन इन ऑल मेडिसिन है। बीमारी आपको क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, अभी भक्ति योगी जो है उसके लिए रेकमेंडेड नहीं है कि वो हरिनाम को किसी भौतिक चीज़ों के लिए जप करे। क्यों? क्योंकि वो जप कर रहा है सिर्फ भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए। एक भक्ति योगी, कृष्ण भावनामृत भक्त, जो हम लोग जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब साधक भक्त हैं, हम क्यों जप करते हैं? क्योंकि भगवान का प्रेम हमारे अंदर आए। बाकी सब धर्म आए, अर्थ, काम, मोक्ष, अच्छे कर्म, बुरे कर्म मिट जाए, ये सब ये इसके साइड बेनिफिट है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? होगा ये सब, लेकिन हमको वो सोच के नहीं चलना चाहिए कि अरे मुझे पैसा आए तो मैं जप करूँ, या मुझे जॉब लगे तो मैं जप करूँ, या मुझे कुछ मेरी मन की अभिलाषा पूरी तो ही मैं जप करूँ। नहीं, आप जप कीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो आप ये साक्षात्कार करना चाहते हैं कि आप ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और उस आत्मा को भगवान की से प्रेम, हाँ, भगवत प्रेम जगाने के लिए। सबके अंदर भगवान के लिए प्रेम है, बस अभी ढका हुआ है, जैसे सो रहा है। मैं कल ही एक पोस्ट पढ़ रहा था जहाँ पे हेट, नफरत, इंसान जब दुनिया में आता है, ह्यूमन बीइंग जब आता है, मानव, तो ये नफरत सीख के नहीं आता है। बच्चे लोग को नफरत आता नहीं, उन लोग को नफरत सिखाया जाता है किसी चीज़ के लिए भी। हाँ, उसी तरीके से, पर प्रेम तो ऐसा है जो प्रेम हम सबके अंदर है भगवान के लिए, सिर्फ वो सिखाना है वापस कि प्रेम कैसे करते हैं, और वो किससे पॉसिबल है? हरि नाम जप से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अपने खुद के जीवन से कि जप कैसे करना चाहिए। हाँ, इस पे भी अलग सा एक शिक्षाष्टकम लेक्चर ले सकते हैं, जहाँ पे उनके
उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने खुद लिखा है कि तृणादपि सुनिचेन, मतलब एक तृण की भांति, एक्चुअली वो एकदम लंबा, यदि सारा पढ़, एकदम सुंदर वर्ष है चेतो दर्पण मार्जनम भवम, सो इस पर कभी और, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने जीवन से ये आचरण किया है कि हाउ टू चैंट हरे कृष्णा विद अ हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, त्रिनादपि सुनिचेना। तो हम सबको एक नम्र स्वभाव से भगवान के प्रति प्रेम जगाने के लिए ये जप करना चाहिए। हाँ, कीर्तनिया सदाहरि 24/7। इसमें एक अच्छा, ये कीर्तनिया सदाहरि जो महाप्रभु कह रहे हैं, इस पर अच्छा ये कहानी है। करीबन 500 साल पहले महाप्रभु के टाइम पे ही एक बालक था, उसका नाम था गोपाल। तो गोपाल, ये उड़ीसा में बालक था, वो गोपाल गोस्वामी बाद में जो कहलाए गोपाल गुरु गोस्वामी, ये बालक गोपाल वन से आ रहा था एक रास्ते में, और एक दूसरा भक्त जा रहा था शौचालय, जा रहा था टॉयलेट जा रहा था। तो जब वो जा रहा था तो वो देखा कि बालक ने देखा कि वो भक्त अपने मुंह पर ऐसे हाथ पकड़ के जा रहा है ऐसे, और उसके मुंह से कुछ वाक्य आ रहे हैं। तो गोपाल ने पूछा, बालक गोपाल ने, अरे आपने मुंह पे हाथ क्यों रखा है? तो बोलता है कि अरे मैं अभी जा रहा हूँ टॉयलेट, और भगवान का नाम और भगवान का फॉर्म एक ही है, तो मैं नहीं चाहता कि भगवान ऐसे अपवित्र जगह में आए, इसलिए मैं मुंह पे हाथ पकड़ के जा रहा हूँ। और वो इतने शुद्ध भक्त है कि उनसे भगवान का नाम रोका नहीं जा रहा। कितने लोग ऐसे हैं जहाँ पे भगवान का नाम रोका नहीं जा रहा है? ऐसे थे कि उनसे भगवान का नाम रोका नहीं जा रहा। तो इस पर वो बालक गोपाल ने कहा, अरे ये बात तो सही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम जप करने की नियम है इतना सिंपल कर दिया है कि कोई भी जप कर सकता है, कैसे भी जप कर सकता है, कहाँ भी जप कर सकता है। क्या भरोसा है कि आप टॉयलेट करने गए, शौचालय गए, और आप तभी शरीर नहीं छोड़ दिए? इसका क्या भरोसा है? यदि आप करते करते शरीर छोड़ दिए तो आप भगवान का नाम नहीं लेंगे क्या? सो ये ज्ञान जब उसको दिया तब वो भक्त के साक्षात्कार हुआ, और तभी वो जो बालक है बाद में जाके उसको चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रिय थे, तभी वो बालक था, तो बाद में उनका नाम गोपाल गुरु गोस्वामी। सो ये हरिनाम की महिमा है कि आप कहाँ भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, कोई भी परिस्थिति में भी। इनफैक्ट ये तो बड़ा हाई स्टेज है, लेकिन भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के गुरु है गौर किशोरदास बाबा जी, वो एक बाबा जी से उन्होंने ये लिया था, और वो पूरे दिन सिर्फ नाम जप करते पूरे दिन। तो मंत्र ध्यान का विज्ञान, जैसे कि मैंने बोला कि हम एम करते हैं कि भगवत प्रेम या लव ऑफ गॉड हमारे अंदर जागे, लेकिन उसके कुछ साइड बेनिफिट भी है। मतलब मैं हरे कृष्णा चैंटिंग करूँगा, जप करूँगा या संकीर्तन, उसका क्या क्या बेनिफिट है? अपनी तेजस्वी चेतना की पूर्ण प्राप्ति। हर कोई व्यक्ति यहाँ पे आत्मा है, तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब चैंटिंग करते हैं, सो धीरे धीरे हम बॉडीली, शरीर के अटैचमेंट कि ये मेरा है वो मेरा है, ये बॉडीली अटैचमेंट से दूर होके अपने रियल सेल्फ, आत्मा के बारे में और ज्ञान या और नॉलेज आता है। फिर अपनी मूल चेतना और ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, हाँ, हरिनाम जप करने से हमारी मूल चेतना भी हमारे अंदर जाग जाती है। इसलिए आप देखिए, कई लोग जो हरिनाम का जप कर रहे हैं और जो इस भक्ति मार्ग में हैं,
आप उनके लाइफ देखेंगे, चाहे वो कितना भी दुख और दर्द में हो, लेकिन जब उनका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अपनी मन की मन का जो संतुलन है वो एकदम हरिनाम में है, तो उनको ये सब फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सबको परेशानी है इस दुनिया में, किसको परेशानी नहीं है, कि ये दुनिया का है नेचर, मतलब दुख आलय। हाँ, जो पुस्तकालय में जाएंगे तो आपको पुस्तक मिलेगा, हाँ भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, और दुखालय में आएंगे तो दुख मिलेगा। सो नेचर ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड इज सफरिंग, दुख, ये नेचर है। तो और ध्वनि द्वारा भगवान का अनुभव, साउंड, थ्रू साउंड यू कैन एक्सपीरियंस गॉड। सारे इस ध्वनि का महत्व सारे रिलीजन में है, चाहे वो इस्लाम क्यों ना हो, चाहे वो जीसस क्रिश्चियनिटी क्यों ना हो, चाहे वो सिख क्यों ना हो, चाहे वो सारे रिलीजन में ध्वनि का महत्व क्यों, क्योंकि सबसे पहले इस संसार में क्रिएशन जब रचना हुई थी तो साउंड आया। हाँ, जब आप लोग सो रहे हैं और यदि आपके घर में आग लग गई तो आपको कोई बोला कि अरे उठ जाओ उठ जाओ आग लगी है, तो आप उठ जाएंगे ना वो सुन के। हाँ, आप देख तो नहीं सकते ना, रात जब आँग बंद है देख नहीं सकते, सो रहे हैं, तो क्या आपको सुनना, तो वो जब आप ध्वनि, तो ये ध्वनि का महत्व है। और आध्यात्मिक ध्वनि गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो आप सोच सकते हैं कि जो हरिनाम धन है स्वयं गोलोक से आया है। इस दुनिया में आचार्यगण बोलते हैं कि इस दुनिया में दो चीज़ है जो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है, जो इस दुनिया का नहीं है। जान सक आप बता सकते हैं कौन से दो चीज़ जो इस दुनिया के नहीं है? कोई भी टू थिंग्स जो ये दुनिया में, इस दुनिया के अंदर नहीं आते? हाँ, एक हरिनाम, क्योंकि हरिनाम गोलोकेर प्रेमधन है, मतलब गोलोक वृंदावन से आया हुआ है, इस दुनिया का हरिनाम नहीं है। सेकंड, आत्मा, सोल, सोल इस दुनिया का नहीं है, जैसे मृत शरीर में चलता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें वो आध्यात्मिक स्पार्क नहीं है, स्पिरिचुअल स्पार्क नहीं है, वरना जीवन और मृत्यु में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो वो आध्यात्मिकता जब आती है तो उसको शक्ति आती है, गाड़ी में ड्राइवर रहता है तो गाड़ी चल सकता है। तो उसी तरीके से इस दुनिया में हरिनाम और आत्मा दोनों बहुत ही इस दुनिया से नहीं है, एकदम स्पिरिचुअल है। और आर्थिक, मतलब सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट, किसको पैसा नहीं चाहिए इधर? सबको पैसा चाहिए? हाँ, किसको पैसा नहीं चाहिए हाथ ऊपर करो। जय हो माता जी की, जय हो। क्लास में बोल दिया माता जी आपने। माली प्रभु तो नहीं है ना? बहुत अच्छा किया। तो माता जी ने प्रभु जी को गांव भेज दिया, माता जी अभी इधर है। तो सबको जरूरत है, तो लेकिन हरिनाम से ये भी आता है, हरिनाम से आपको पैसा भी आएगा। क्यों? इतना पावरफुल है। यज्ञ जब करते हैं, लोग कहते हैं कि प्रभु जी ये जो कष्ट हैं, ये कभी कभी जैसे बारिश का कष्ट या भूकंप का कष्ट या आदि दैविक कष्ट, मतलब कष्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस नेचर, ये क्यों आता है पता है आपको? क्योंकि हम ऐसे कोई कार्य करते हैं हमारे कर्म में, मतलब मैं खाना भी खाता हूँ तो मुझे कर्म लगता है यदि मैं प्रसाद नहीं खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खाना खाने के लिए काटा है, किसको काम करवाया है, सबको यू नो, घास को का, चाहे वो कुछ भी हो, या सब कर्म लगता है, और खाने के लिए भी। तो इसका रिएक्शन है, ये मिल जाता है और ये रिएक्शन हम सब पे पड़ता है। लेकिन जब हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो ये कर्म, जो खाने का जो कर्मा रहता है, ये नलिफाई हो जाता है, इसलिए हम सबको कृष्ण प्रसाद बांटते हैं। तो पॉइंट बीइंग कि हरिनाम से आपको ये इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल,
religious environment, ये सारा benefit मिलेगा. ऐसे अगर बाहर यज्ञ करो तो आपको, क्योंकि यज्ञ करने से भगवान और demigod सारे, एक बार विष्णु satisfy हो गए, कृष्णा satisfy हो गए, तो demigod automatically संतुष्ट होते हैं. और जब वो लोग संतुष्ट हैं तो ऑटोमेटिकली आपको धूप, चंद्र, सूर्य और बारिश अपने टाइम से आएगा. तो यदि आप हरिनाम जप करोगे तो ये सारा चीज़ भी लाइन में आता है. बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है, सिंपल नहीं है. आप हरिनाम करो, सब कुछ लाइन में आता है. तो हरिनाम अग्नि के समान कार्य करता है. अग्नि मतलब कैसे, बच्चा भी हाथ डाले तो उसको जल जाएगा, बड़ा भी अग्नि में हाथ डाले तो उसको जल जाएगा. मतलब कि हरिनाम ऐसा है कि कोई भी जप करे वो आपके पापों को जला देगा. इसकी तरह है जैसे कि थंडर, थंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, थंडर को क्या बोलते हैं, बिजली लाइट नहीं हुआ ना, बिजली थंडर है ना, जब लाइट आता है बिजली बोलते हैं उसको. हाँ, तो जब बिजली आता है सो आप देखो उसका जो आवाज़ और बिजली का आवाज़ से बच्चा भी डरता है, बड़ा भी डरता है, जानवर भी डरता है, सब डरते हैं. क्यों? क्योंकि उसको समझ जाए, बिजली को कोई भाषा नहीं चाहिए समझने की. बिजली जब आता है, अगर आपके पास आया तो आपको पता चले. कभी हमने तो कभी इतना पास से बिजली देखा नहीं, कहीं दूर से सुना है, कभी कभी इतना ज़ोर से बिजली सुना है कि कभी कभी डर लग जाता है. सो बिजली समझने के लिए, जब आकाश से बिजली आता है, बिजली समझने के लिए कोई भाषा नहीं चाहिए, अपने अंदर हृदय में ऑटोमेटिक वो समझ में आता है. उसी तरीके से हरिनाम अग्नि की तरह है, कोई भाषा नहीं चाहिए, ना हिंदी, संस्कृत, गुजराती. हरिनाम ऐसा है जो ऑटोमेटिक आपके हृदय में एक्टिवेट होके काम करना शुरू कर देगा. और अहंकार से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, वाओ. हरिनाम जो जप करता है उसको, इधर अहंकार उसको बोला है फॉल्स ईगो. फॉल्स ईगो क्या है? वो अहंकार नहीं कि अरे मेरे पास ये है, इस अहंकार के बारे में बात हो रहा है कि मैं ये शरीर हूँ. अहंकार, मैं शरीर हूँ, इस चीज़ से मुक्ति होना. जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ सो मैं मानूँगा कि मेरे रिलेटिव, मेरा सामान, मेरा घर, मेरा ज़मीन, मेरा देश, मेरा वर्ल्ड. सो ये अहंकार से मुक्ति दिलाता है. जब आपको अटैचमेंट नहीं हो तो आपको दुख किस बात का? हाँ, जनरली इस मटेरियल वर्ल्ड में भी हमको दुख तभी आता है जब हम चीज़ों से अटैच रहते हैं. आपका 30,000 का मोबाइल लिया, एक दिन में, दूसरे दिन में घूम गया, हाँ, कैसा लगेगा आपको? क्योंकि आप उससे अटैच हो ना. ठीक है, एक साल हो गया, दो साल हो गया, पाँच साल हो गया, तभी घूमे चलेगा. क्यों? अभी अटैचमेंट निकल गया उससे, अभी नया चीज़ आ गया. तो इस दुनिया में अपना सामान से, अपने चीज़ों से, अपने लोगों से हमें जब जाता है तो दुख मिलता है. और सबको एक दिन जाना ही है, सो वो दुख आना ही है. कौन सा दुख? कि ये चले गया, चाहे वो मेरे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, बेटे लोग हो, कुछ सामान हो, व्यक्ति हो, सब चीज़ को एक दिन छोड़ना है. तो मतलब वो दुख आने वाला ही है कि जाने वाला दुख. तो अटैचमेंट ही क्यों पैदा करें जब हमको पता है कि मृत्यु एक ना एक दिन आने वाली है. सो लोगों को अटैचमेंट नहीं होना चाहिए. सो हरिनाम जप करने से ये ज्ञान आता है, हा? कि हम धीरे धीरे कम अटैचमेंट होते हैं, क्योंकि अटैचमेंट भी बहुत स्ट्रांग है किसी के लिए, सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सब के लिए, शुद्ध भक्त के लिए नहीं, लेकिन जब तक हम साधक भक्त हैं ये अटैचमेंट सब चीज़ का बहुत स्ट्रांग है. सो कीर्तन द्वारा मृत्यु की पराजय कैसे? जब आप हरिनाम जप करते हैं, और समझो हरिनाम जप करते करते आप हरि बोलोगे, मतलब आपकी मृत्यु हो गई. सो भगवान श्री कृष्ण पक्का कहते हैं कि जो अंत समय में मुझे याद करता है वो मेरे पास आ जाता है. मतलब आपको मृत्यु, जन्म वापस नहीं लेना पड़ेगा. सो कीर्तन से आपने मृत्यु पर विजय पाली, है ना? सो कीर्तन द्वारा मृत्यु की
पराजय, कीर्तन करो आप मृत्यु को भी हरा सकते हैं। आनंद की अनुभूति, यदि हमको आनंद की अनुभूति नहीं होता तो हम जप नहीं करते, हम भक्ति नहीं करते। क्यों भक्ति करते? क्योंकि हमको भक्ति करने में एक खुशी है, एक आनंद है। खुशी नहीं, आनंद। खुशी टेम्पररी है, आनंद परमानेंट है। मैं हर दिन जप करूं, हर दिन भक्ति करूं, हर दिन भगवान को सेवा करूं, तो मेरे को कुछ आनंद मिलता है, तभी मैं कर सकता हूं। वरना मैं दुखी होता तो मैं कितना टाइम कर सकता? यदि मैं भक्ति करते करते जप करते दुखी होता हूं, कितना करूँगा? एक दिन, दो दिन, दस दिन, एक साल, दो साल, दस साल, पंद्रह, बीस साल। लेकिन हम देख सकते हैं अभी भी 40 साल से लोग भक्ति कर रहे हैं और अभी भी खुश है। जिसको शिल प्रभुपाद ने दीक्षा दिया था तभी के टाइम, अभी भी जप कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास, खुश है। 50 साल होने का है कई भक्त लोग को, 50 साल सोच सकते हैं, शिल प्रभुपाद को तभी मिले हुए हैं 18 साल में, आज 70, जप कर रहे हैं, बोर नहीं हुए, कुछ नहीं, अभी भी कर रहे हैं। और फिर भगवान का ध्वनि अवतार, इस कलयुग में भगवान नाम मात्र के रूप में अवतरित हुए हैं। हरि नाम से मन रूपी जंगली घोड़ा को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सबका मन, ये मन का कार्य है चंचल होना, सभी लोग का। अर्जुन का खुद जब बैटल फील्ड में आ गए कुरुक्षेत्र में तो उनका मन चंचल हो गया। तभी भगवान थे तो उनको डायरेक्शन किया कि क्या क्या करना चाहिए, तभी जाके उनका मन शांत हो गया। सो माइंड, मन कैन बी बेस्ट फ्रेंड, मन आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है और बेस्ट शत्रु। आपको चूज़ करना है कि आपको मन अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है या शत्रु। और मन की शांति वो तो स्वाभाविक है, क्यों? जब करते करते लोग सो जाते हैं, हाँ, जब करते करते लोग सो जाते हैं कि नहीं? सुबह सुबह उठिए, जब कीजिए, सो जाइए। सो आदमी कब सो सकता है? आदमी सो कब सकता है? जब उसका मन शांत हो तभी सो सकता है ना। सो मतलब आप अभी लेक्चर में भी जो लोग सो रहे हैं, मतलब आप लोग का मन शांत हो गया है लेक्चर सुन के, इसलिए आप सो पा रहे हैं। वरना रात को कोई आवाज़ शोर होता है आप सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। सो मन की शांति का प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। चैंटिंग करते वक्त नींद आना, मतलब एक प्रकार से आप सोच सकते हैं कि हरिनाम काम कर रहा है, लेकिन हमको उसके भी ऊपर जाना है। वो तो सिर्फ साइड बेनिफिट है कि आपको अच्छी नींद आ रही है, वो सिर्फ साइड बेनिफिट है। आपको भगवत प्रेम जब प्राप्त होगी तो आपकी नींद भी उड़ जाएगी, इतना उसका रस है। फिर आत्मा का ज्ञान, जैसे कि मैंने बोला ये शरीर हम नहीं हैं और हम आत्मा हैं। जब हमको आत्मा पता चलता है सो हम एक एक व्यक्ति, एक एक जीव से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, इस प्रकार कि हम दोनों एक भगवान के अंश मात्र हैं। सो मैं इससे नफरत क्यों करूं? चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, या हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जीव आत्मा भगवान का अंश है, तो मुझे उस आत्मा से वो रिलेशन याद करे कि वो भगवान का अंश है, वो चीज़ से प्रेम उत्पन्न होता है और जब आपसे होगा। इसलिए आप देखो कोई भी जो शुद्ध भक्त है हमारे संप्रदाय में भी, गोस्वामी में भी, कभी नफरत किसी भी लोग से, जीव से, अन्य किसी दूसरे मुल्कों या देशभक्त या किसी से, किसी से भी नफरत नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सबको भगवान के जीव जब समझते हैं सो वो प्रेम, वो रिलेशन को प्रेम करते हैं। जैसे बच्चे लोग, जब हम बच्चे रहते हैं हमारे भाई बहन से हम नफरत नहीं करते, प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, हाँ,
सबसे प्रेम है, इसलिए हम उनके अच्छे से रहते हैं। उसी तरीके से जब ये रिलेशन पता चलता है तो हम सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। तो सोचिए यदि सब लोग जप करेंगे तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हाँ, और सच्चे सुख की प्राप्ति, सच्चे सुख इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी भौतिक में भी एक दो सुख मिलता है लेकिन ये सुख टेम्पररी है जैसे कि मैंने बोला। तो सच्चा सुख जो लॉन्ग लास्टिंग इटर्नल हमेशा मिले आपको, हाँ, प्रसाद खाते वक्त भी सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। तो जप करते वक्त आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी और पुनर्जन्म से मुक्ति। कैसे बताया मैंने, एक बार यदि आप जो जप करेगा, जो भगवान कृष्ण भावनामृत की चेतना में रहेगा, भगवान बोलते हैं वो मेरे धाम में आएगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सोच रहा है। सो पुनर्जन्म से आप मुक्त हो जाएंगे और आपके कर्म, कर्म से भी मुक्त, अच्छे और बुरे दोनों। सो आपके सारे कर्म, क्यों? क्योंकि अच्छे भी हो तो आपको सफ़र करने आना पड़ेगा, बुरे भी हो तो भी आपको सफ़र करने आना पड़ेगा। सो जब आप भक्ति करते हैं तो आपके सारे कर्म धीरे धीरे, सबसे पहले तो पाप कर्म मिट जाते हैं, आपके अच्छे कर्म उस तरीके से आते कि आप भक्ति और अच्छी तरीके से करो और फिर वो भी निकल जाते हैं। वरना ऐसे नहीं है कि अरे प्रभु जी ने आज बोल दिया अच्छे कर्म चले जाते हैं भक्ति करने से तो आज भक्ति करना बंद है ना। भक्ति करने से आपके अच्छे कर्म इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आना मतलब रिजल्ट होता है कि आप भक्ति और अच्छे से कर सकते हैं और पाप चले जाते हैं, नाश हो जाते हैं। सो कर्म से आप मुक्त हो जाते हैं और सर्वोच्च लाभ है भगवत प्रेम। ये सब तो साइड बेनिफिट था जो अभी भी तक मन की शांति, मृत्यु से जीत, धर्म आर्थिकवाद, प्रेम, लेकिन सबसे ऊंचा क्या है? भगवान के प्रति अंदर प्रेम जगाना। जैसे कि मैंने बोला कि यदि आप भगवान के प्रति प्रेम जगा लिए तो आप सबसे प्रेम करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आप सब में वो रिलेशन देखेंगे भगवान का। तो हरिनाम की, हरिनाम जप की ये महिमा है। और क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इंटरनेशनल वर्ल्ड होली नेम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसलिए आज हमने हरिनाम के ग्लोरिफिकेशन, महिमा के बारे में चर्चा की। और इसके पहले कि हम एक माला जप करेंगे, हरिनाम का एक माला जप करेंगे, किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है सो अभी पूछ सकता है। जय श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, शील प्रभुपाद की। आप बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने से पाप सब खत्म हो जाता है और भगवान ये भी कहते हैं कि पाप का फल बगैर भोगे खत्म नहीं होता है, ये कहाँ तक सच है? भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि पाप का भोगे पाप नष्ट हो जाता है नाम लेने से, और एक तरफ है कि भगवान कहते हैं कि पाप कभी नष्ट नहीं होता है, उसको भोगना ही पड़ता है। सो भगवान वो उनके लिए बता रहे हैं कि पाप कर्म नष्ट नहीं होता है जो कर्मी है। कर्मी मतलब भगवान जीव के जीव में, जीव के जीवन में एंटर नहीं करते। एंटर नहीं करते मतलब आपको यदि अच्छा कर्म लिखा है तो अच्छा कर्म मिलेगा, बुरा कर्म लिखा है तो बुरा कर्म मिलेगा। लेकिन जब आप भगवान के प्रति 100% सरेंडर होते, कितना? 100%, तब आपके सारे कर्म, सारे सब कुछ भगवान के हाथ में। बस उसके बाद आपके कर्म नहीं, फिर भगवान जो चाहे लीला हो जाएगी एक बार आप 100% सरेंडर। हाँ, एक और ये भी पॉइंट प्रभु जी ने बताया कि क्योंकि हम इस
दुखालय में है जो एक प्रिजन की तरह है, और हम जब सांस लेते हैं तभी भी कुछ जीव है जो मरते हैं। सो इसका कर्म, सो जब तक हम 100% सरेंडर नहीं होते तब तक ये कर्म आते रहेंगे। ऐसे नहीं है कि मैंने मेरे सारे पाप कर्म ख़त्म हो गए तो अभी मुझे सफरिंग नहीं। हम दिन में कितने पाप कर्म करते हैं यदि आप गिनने जाओ तो बहुत है, बहुत है। मतलब अनहोनी में भी चींटी को मार दिया, जीवन ले लिया आपने, मर्डर कर दिया, अनजाने में किया, लेकिन किया। सो ये सब ये जो पाप कर्म है जो आप बोल रहे हो ये सर्कल में आते रहते हैं, लेकिन जो 100% सरेंडर है उसको ये इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। जो जो जिसने भगवान के प्रति शरणागत नहीं लिया है उसको पाप और पुण्य वैसे भोगना ही पड़ेगा, पाप तो भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्ञ माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापयोग्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा, कि जस्ट अबैंडन ऑल वैराइटीज ऑफ रिलीजन एंड सरेंडर इन टू मी, आई विल टेक केयर। भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब देख लूँगा, चिंता मत करो, सरेंडर बस। प्रभु जी का प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है कि यदि हरिनाम ही जप करने से सब मिलता है तो उसके साथ साथ हम ये डीटी वर्शिप, भगवतम पढ़ना, भगवद्गीता पढ़ना, ये भक्ति के सारे अंग अन्य अंग क्यों करते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। सो शास्त्र कहते हैं इसके बारे में, यदि आप 24/7 जप कर सकते हैं तो आप सिर्फ जप कीजिए, आपको और कुछ नहीं। आप 24 घंटा जप कर सकते हैं, इफ़ यू कैन जस्ट डू दैट, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। लेकिन क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि हम, मैं 10 मिनट भी, 15 मिनट, ठीक है, आधे घंटे भी ऐसे करके बैठ नहीं सकता बिना आँख खोले, तो मैं कहाँ 24 घंटा जप कर सकता हूँ। इसलिए मेरा मन को भगवान में शरणागत करने के लिए क्या, मंदिर चल के आना, तो हमारा पैर भगवान के शरण में, मतलब हमारा पैर उस सेवा में यूज़ होता है, भगवान का दर्शन करना, मेरे आँख बुरे चीज़ देखने से अच्छा मैं भगवान को देखूँ। मेरा मन शुद्धि कैसे होगा, जब मैं भगवान के बारे में लीला गुण पढूं, अंडरस्टैंडिंग। सो यदि मेरा मन इतना स्ट्रांग है, मेरी क्षमता है कि मैं सिर्फ जप करने में ही मैं खुश रहूं, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर सिर्फ जप करते थे क्योंकि वो मुसलमान जन्म से थे तो उनको जगन्नाथ मंदिर में पुरी में अलाउड नहीं था, लेकिन महाप्रभु खुद उनका समाधि किए, जब उनको जब वो शरीर छोड़े महाप्रभु खुद उनका समाधि किए, क्यों, क्योंकि वो नामाचार्य, उन्होंने खुद। तो अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन हम इतने मन से प्योर नहीं हैं, एटलीस्ट मैं, इसलिए मुझे पढ़ना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना, ये ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट भगवान का प्रसाद खाना। वाओ, थैंक यू प्रभु जी, अपने लाइफ में का एक जीवन किस्सा शेयर कर रहे हैं। किलन, कैन यू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द बीट। प्रभु जी बता रहे हैं उनके जीवन में, जैसे कि हमने बोला कि भक्ति करने से कभी थकते नहीं हैं। सो प्रभु जी जब लास्ट ईयर वृंदावन यात्रा में गए थे तो बोल रहे थे, मैंने इसका छोटा सा एक एक्सपीरियंस लिया। क्या एक्सपीरियंस लिया, कि प्रभु जी भक्त लोग के साथ थे, और कितने लोग वृंदावन यात्रा गए थे लास्ट ईयर, हाँ। सो प्रभु जी बोल रहे थे कि मैं रात को 11-12 बजे सोता था, दिन में 3 बजे उठता था,
वो तीन चार दिन मैं सिर्फ 3 घंटा सोया, मैं थका नहीं, पूरे दिन बाहर दर्शन करता था, जप करते थे हम लोग, संग में थे, प्रसाद खाते थे, सो भक्तों की सेवा करते थे। जब वो भक्तों की सेवा और भक्ति में लगे थे तो वो थकते भी नहीं थे। सो प्रभु जी बोल रहे वो टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस किया, तो शेयर कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु। ये एक्सपीरियंस आप लोग सब ने भी शेयर किया होगा, कब? जन्माष्टमी की रात को। हाँ, जो लोग 12 बजे तक एक बूंद पानी भी नहीं पिए, और ये हमने लास्ट ईयर और अच्छे से एक्सपीरियंस किया था, क्यों? लास्ट ईयर हमने जन्माष्टमी उस दिन सेलिब्रेट किया था। सो मैंने आप लोग सभी लोग जिसने फास्टिंग किया रात को 12 बजे तक, उसके साथ भी हम लोग पूरे दिन सेवा कर रहे थे, भगवान का सेवा कर रहे थे, 3-4 घंटा भगवान का नाम गाया, हाँ, डांस किया। किसी भूखे व्यक्ति को बुलाओ और बोलो ये करने, वो नहीं करेगा। सुबह से एक ड्रॉप पानी नहीं रात तक, और फिर भी हम लोग ने ये सब किया, क्यों? क्योंकि ये भक्ति योग है। सो ये आप लोग सब ने भी ये नो कर पाए, ये एक्सपीरियंस बता सकते हैं। सो और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कर सकते हैं, हम लोग तब तक माला बांट लेंगे, तो एक एक माला जप करेंगे सब लोग। ठीक है, इसी के साथ आज का प्रवचन हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा, श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। सो हम एक माला